पढ़ेंगे चूहा चला दिल्ली। चूहे ने यह कहा कि चूहिया छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो, मटर मूंग जो कुछ भी घर में है वही सभी मिन खाना सब। खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना, बिल्ली एक बड़ी पाजी है रहती घात लगाए, न जाने कब किसे दबोच किसको चटकर जाए। सो जाओ सब लॉक लगाकर दरवाजे पर किल्ली, आज़ादी का जश्न देखने में जाता हूँ दिल्ली। दिल्ली में देखूँगा आज़ादी का नया जश्न, लाल किले पर खूब तिरंगा झंडे का फहराना, अब न रहे अंग्रेज देश पर काबू अब अपना, पहले जहाँ लाल साहब थे अब राष्ट्रपति हैं अपना। घूमना दिन रात करूंगी बातें नहीं किसी से, हाँ फुर्सत में मिले मिलने प्रधानमंत्री से, गांधी युग में कौन उड़ाए चूहे की सब खिल्ली, आज़ादी का जश्न देखने में जाता हूँ दिल्ली। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर का, इस कविता को आप लोगों को लिखना है पूरा और 8-9 आपको याद भी करना है। सब क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चूहा फुर्सत में किससे मिलना है, चूहा फुर्सत में प्रधानमंत्री से मिलने की बात कर रहा है। चूहा ने दिल्ली में कौन सी जगह देखी, चूहा दिल्ली में लाल किला देखा था। चूहा कहाँ जा रहा था, चूहा दिल्ली जा रहा था। चूहे ने चूहा से क्या क्या चीज लाने के, चूहा ने चूहे से छाता छड़ी पगड़ी नीचे लाने को कहा। ये कविता है, आपको पूरी करनी है, आपका होमवर्क है। ये सही गलत का निशान देख लीजिए। चूहा दिल्ली में राष्ट्रपति से मिला, नहीं वो तो प्रधानमंत्री से मिला था। बिल्ली बाहर थाला बैठी है, हाँ सही है ये। चूहा मुंबई जाना चाहता था, नहीं चूहा दिल्ली जाना चाहता था, ये गलत है। लिंग बदलिए, लिंग जैसे चूहा है पुल्लिंग हो गया, इसको स्त्रीलिंग में बदलना है चूहिया। मोर है पुल्लिंग, इसको स्त्रीलिंग बनना है मोरनी। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।